नमस्ते, मैं संजय नमस्ते रैपन से और मैं मौजूद हूँ आज काउंटर चौराहे में। और जैसे कि काउंटर चौराहे के ऊपर यहाँ पे पुलिस अपनी पूर्ण रूप से पूरी ड्यूटी कर रही है और जो भी बिना हेलमेट के आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के आ रहे हैं, उनको पुलिस पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई भी कर रही है, उनकी गाड़ी भी रोक रही है और उनसे सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। और अगर एक भी आधा डॉक्यूमेंट अधूरा है तो पुलिस उनकी गाड़ियाँ सीज कर रही है और उनके खिलाफ चालान काटना जारी कर रही है। तो ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ का नज़ारा कि मेरे पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो पुलिस वाले भैया खड़े हैं यहाँ पे और उनकी पूर्ण संख्या भागीदारी है कि उनके अंदर खड़े होकर के यहाँ पे पूरी ड्यूटी नहीं भरे। हाँ वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस वाले पूरी पूर्ण रूप से यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और बिना हेलमेट वालों को यहाँ पे पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ यहाँ पे चालान की भी व्यवस्था की जा रही है, चालान भी उनके खिलाफ काटे जा रहे हैं। तो जैसा कि ये पुलिस अपनी पूर्ण रूप से ड्यूटी निभा रही है और जैसा कि अगर आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं तो सर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। जैसा कि सर उनके विदाउट हेलमेट है सर, तो सर है जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। और सर आप इसके अंदर क्या क्या चेक करते हैं? जैसे किसी के हेलमेट नहीं होता है ना, हेलमेट नहीं होता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, ओआरसी है, ये चेक करते हैं और सर जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आरसी वगैरह चेक करते हैं, इस साथ में आप इनके इंश्योरेंस वगैरह पीसी वगैरह सब चेक करते हैं? हाँ जरूर चेक करते हैं, पीओसी है, इंश्योरेंस है, चेक तो करना ही। सर जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट इनके पास में नहीं होता है तो आप उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई करते हैं? जैसा कि सर अपनी पूर्ण रूप से पूरी भागीदारी निभा रहे हैं और ऐसे ही एक और बिना हेलमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाड़ी पकड़ी गई है। तो मैं आपको गाड़ी का नंबर बता देता हूँ, RJ19BM5365। तो मैडम इनकी क्या गलती थी जिनके अंदर आपने इनको पकड़ा? इनके भी यही है कि जैसा कि कानून ने, सरकार ने हर पूर्ण रूप से लॉकडाउन से पहले भी कहा था, लॉकडाउन के समय भी कहा था और लॉकडाउन के चलते तहत अभी भी यही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, लेकिन अभी ऐसा देखने को मिलने को नज़र आ रहा है कि लोग बात अभी भी पूर्ण रूप से कोई पालन नहीं कर रहे हैं निर्देशों का, ना कोई हेलमेट लगा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो बिना मास्क पहने गाड़ी चला रहे हैं और बिना सीट बेल्ट बांधे फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसा ही पूर्ण रूप से पुलिस अपनी पूरी सख्त कार्रवाई कर रही है और उनके खिलाफ हो सकता है कि या तो गाड़ी सीज हो या फिर उनका चालान काटे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिना हेलमेट के पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही मैं छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे नमस्ते राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।